हर हर महादेव दोस्तों अल्प रसोईया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो आज हम खिचड़ी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ये दाल हमने ले लिया है, जो रहर का दाल होता है ना वो हमने 1 कप, और 1 कप हमने ले लिया है मसूर का दाल, और उसे अच्छे से धोकर हमने पतीले में पानी चढ़ा दिया था। वो इस तरह से नमक हल्दी डालकर और थोड़ी सा हमने आधा चम्मच तेल हमने डाल दिया, वो इसलिए उबलते समय जब दाल को ढक दिया जाएगा ना तो वो गिरने का डर रहता है, इसलिए तेल डालने से नहीं बाहर निकलता है उसका फेन। और ये हमने चावल ले लिया है 1 गिलास, और अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। ये दाल लगभग आधा से ज़्यादा सीज चुका है, तो इसे हम डाल देंगे इसमें और 10 मिनट के अंदर में ये बन जाएगा। चावल हमने लिया है मही दाना वाला, जो कि बहुत ही जो अरवा चावल होता है ना वो हमने लिया है 1 गिलास, और इससे ना बहुत ही अच्छा खिचड़ी तैयार होगा, बिल्कुल एकदम भोग की तरह, जो भोग चढ़ता है ना माता रानी को उस टाइप से हम बना रहे हैं। तो देखिए खिचड़ी मेरा तैयार हो गया है 10-15 मिनट के अंदर। 100 ग्राम हमने बादाम ले लिया है, उसे अच्छे से मीडियम ताव पे हम इसे भून लेंगे। इसका चटनी बनाना है लास्ट में, तो इसे भून कर हम उतार लेंगे। देखिए भून चुका है, अब हम मिर्ची काट लेंगे। तो हम खिचड़ी का फोरन के लिए 4 मिर्ची का चीरा लगा लेंगे इस तरह से, और ये मही मही काट लेंगे क्योंकि हमको आलू का चोखा भी तैयार करना है। तो इस तरह से हम बारीक मही काट लिए हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है बिना लहसुन प्याज का, बनाइए पूरा महीने बहुत अच्छा लगता है। अदरक का टुकड़ा हमने ले लिया, उसे छीलकर बारीक इसी तरह से कट कर लिए हैं। अब थोड़ी सा धनिया हमने कट करके धोकर उसे साइड में रख दिए, और ये हमने 4 आलू पहले से उबाल रखा था उसे अच्छे से हमने छीलकर मेस लिया है, और हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया। थोड़ी सा हमने तेल ले लिया है, ये इसमें जो चोखा होता है ना आलू का वो तैयार करेंगे। ये हमने खड़ी मिर्च ले लिया है लाल, और इसे हम पहले तेल में तल लेंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही पसंद आता है हमारे घर में इसे। तो ये हमने जीरा डाल दिया है, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें नमक हम डाल दिए स्वाद अनुसार आलू के लिए, और ये जो हमने तल के रखा था ना खड़ी मिर्च लाल, उसे थोड़ी सा नमक में इसे हम मेस कर आलू में डाल दिए हैं, इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अब तैयार करते हैं आलू का चोखा। तो इसमें हम डाल देंगे, मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, मेरा पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसे हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए भून लेंगे बढ़िया से। देखिए एक जड़ा भी गुठली नहीं है इसमें। अब इसमें ना हम धनिया का पत्ता डाल देंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस तरह से हम डाल दिए हैं, अब इसे ये तैयार हो गया है, तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी फ्राई पैन में हम खिचड़ी के लिए फोरन तैयार कर लेंगे। तो ये हमने चोखा निकाल दिया, और ये तेल हमने डाल दिया, तेल कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, पर हम थोड़ा कम ही तेल में बनाते हैं। तो ये 1 तेज़पत्ता और 1 चम्मच हमने छोटा चम्मच से जीरा, खड़ा जीरा डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है खिचड़ी में। तो ये 4 मिर्च जो हमने चीरा लगा के रखा था वो भी डाल दिया, और ये बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया है हमने। इसमें ना हम हींग डाल देंगे थोड़ी सा, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और खाना पचने में भी बहुत ही लाभदायक होता है, हींग डालना चाहिए। इस तरह से हो गया, तैयार हो गया है। अब इसमें हम जीरा और काली मिर्च का पाउडर थोड़ी सा डाल दिए हैं, इसमें बहुत ही कम मसाला, बिल्कुल मसाला मतलब ना के बराबर है, हल्का फुल्का, मतलब माता रानी का जब भोग लगता है ना तो इसी तरह बनता है। तो हम
इसी तरह तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छा। और हम सच बोलें, हम खाना खा चुके हैं, उसके बाद बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों के साथ हम शेयर करें। थोड़ा सा खिचड़ी बहुत ही गाढ़ा हो चुका था, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी भी मिला दिए थे। देखिए इस तरह से, अब इसे थोड़ा सा चला कर इसे अच्छे से मतलब खोलने देंगे थोड़ा। उसके बाद इसमें गरम मसाला डाल देंगे लास्ट में। तो अभी धनिया का पत्ता डाल देते हैं, इस तरह से धनिया का पत्ता डाल दिए। फिर थोड़ा सा नमक हमें कम लगा था तो थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा खोल जाएगा। तो उसके बाद हम साइड में उतार के इसे रख लेंगे। मेरा खिचड़ी तैयार है। ये देखिए थोड़ी सा गरम मसाला हमने डाल दिया। अब ये गरम है तो हो जाएगा कंप्लीट। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। अब अच्छे से चला के अब इसे उतार लेंगे। और ये हमने तेल गरम कर लिया है, मतलब सॉरी रिफाइन गरम कर लिया है बहुत हार्ड। और ये हमने घर पे जो बड़ी तैयार किया था ना चावल का, मतलब खुद्दी का वेस्ट वाला मटेरियल से, तो उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत से हमने ये बनाया है। देखिए फूल की तरह खिल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए तो इस तरह से कभी कभी खिचड़ी उचड़ी में ना बनाने में अच्छा। ये पापड़ भी हमने घर में ही तैयार किया हुआ था, छोटा छोटा बना था पापड़, तो इसे हम छान लिए हैं। और ये ख़रीदा हुआ पापड़ था, तो छोटी सा बच्चा था तो भी हमने छान लिया। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लिए फटाफट हम। जब खुद से बनाया हुआ चीज़ आप किसी को खिलाइएगा ना, कितना अच्छा लगता है ना कि पूछिए मत। ये आलू का चोखा है, इसे हम छोटा छोटा लोई की तरह बना लेंगे। इस तरह देने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो देखिए इस तरह से चोखा मतलब इसी तरह होता है अच्छा लगता है। तो और ये टेस्ट इतना अच्छा था ना इस चोखे का कि मैं क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप बनाइएगा, मेरा बात मानकर बनाइएगा कभी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो इसमें हमने घर का बना हुआ ही देसी घी इसमें यूज किया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और हम निकाल लिए हैं खिचड़ी। और ये हाँ बादाम का चटनी है ना, इसमें अदरक और दो हरी मिर्च हमने पीस लिया था इसमें। तो और इसमें हल्का सा तेल और स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया है। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मीठा मीठा एकदम स्वाद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा से हमने साफ़ किया था बादाम को, इसलिए वाइट वाइट दिख रहा है ये। और इसमें हम थोड़ा सुंदर दिखने के लिए एक करी का पत्ता इसमें हमने डाल दिया और एक अचार रख दिया। तो बिना लहसुन प्याज और भोग वाली खिचड़ी तैयार है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए हर हर महादेव।